एक माइक यूज करो ना, एक बंद करवा दो, एक माइक यूज करो, एक बंद है। राशन कार्ड का जो कानून देश में लागू है वो खाद्यान्न सुरक्षा कानून लागू। खाद्यान्न सुरक्षा कानून में देश की आबादी के 66% नागरिकों को राशन मिलना चाहिए, ऐसा उस कानून में लिखा है। उसके अलावा जो अंतोदय है, बहुत गरीब परिवार है, उनको 35 किलो चावल मिलना चाहिए। और जितनी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, हर गर्भ धारण से लेके जन्म, बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक उसको मदद मिलना चाहिए। देश का सरकारें जो अभी तक हम लोगों ने देखा वो ये करती है कि चुनाव के पहले जिसको मन रहे सबको राशन कार्ड दे, और बाद में जब कानून की बात आती है तो फिर उसको काटना चालू कर दे। मेरी सोच में इसका हल ये है, मैं अकेले इसको अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी अपनी पार्टी का एक साथी हूँ और साथियों से बात करनी पड़ेगी। इसमें जैसे सूचना का अधिकार और मनरेगा में कानून पार्टी कानून बना है अधिकार के रूप में, ये खाद्यान्न को सबको खाद्यान्न मिले, जैसे आपका स्मार्ट कार्ड सबके लिए, वैसे राशन सबके लिए हो जाए तो मेरे को मिलता है, मेरे को नहीं मिलता वाली बात खत्म। ये मेरे को सलाह करना पड़ेगा अपने साथियों के साथ, सहमति लेनी पड़ेगी। पर मेरी आशा है व्यक्तिगत कि इसको भी सबके लिए लागू कर देना चाहिए, तो होना आज बना कल कटा नहीं, सबको मिलना। मुख्यमंत्री जी जब भी चुनाव आता है एक साल पहले बोलता है कि राशन कार्ड बनवा लो, उसके बाद जैसे ही साल भर होगा वो राशन कार्ड होकर दबा देता है। राशन कार्ड का जो कानून देश में लागू है वो खाद्यान्न सुरक्षा कानून लागू। खाद्यान्न सुरक्षा कानून में देश की आबादी के 66% नागरिकों को राशन मिलना चाहिए, ऐसा उस कानून में लिखा है। उसके अलावा जो अंतोदय है, बहुत गरीब परिवार है, उनको 35 किलो चावल मिलना चाहिए। और जितनी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, हर गर्भ धारण से लेके जन्म, बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक उसको मदद मिलना चाहिए। देश का सरकारें जो अभी तक हम लोगों ने देखा वो ये करती है कि चुनाव के पहले जिसको मन रहे सबको राशन कार्ड दे, और बाद में जब कानून की बात आती है तो फिर उसको काटना चालू कर दे। मेरी सोच में इसका हल ये है, मैं अकेले इसको अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी अपनी पार्टी का एक साथी हूँ और साथियों से बात करनी पड़ेगी। इसमें जैसे सूचना का अधिकार और मनरेगा में कानून पार्टी कानून बना है अधिकार के रूप में, ये खाद्यान्न को सबको खाद्यान्न मिले, जैसे आपका स्मार्ट कार्ड सबके लिए, वैसे राशन सबके लिए हो जाए तो मेरे को मिलता है, मेरे को नहीं मिलता वाली बात खत्म। ये मेरे को सलाह करना पड़ेगा अपने साथियों के साथ, सहमति लेनी पड़ेगी। पर मेरी आशा है व्यक्तिगत कि इसको भी सबके लिए लागू कर देना चाहिए, तो होना आज बना कल कटा नहीं, सबको मिलना। मुख्यमंत्री जी जब भी चुनाव आता है एक साल पहले बोलता है कि राशन कार्ड बनवा लो, उसके बाद जैसे ही साल भर होगा वो राशन कार्ड होकर दबा देता है। राशन कार्ड का जो कानून देश में लागू है वो खाद्यान्न सुरक्षा कानून लागू। खाद्यान्न सुरक्षा कानून में देश की आबादी के 66% नागरिकों को राशन मिलना चाहिए, ऐसा उस कानून में लिखा है। उसके अलावा जो अंतोदय है, बहुत गरीब परिवार है,
सबको 35 किलो चावल मिल रहा है और जितनी महिलाएं हैं गर्भवती महिलाएं हर गर्भ करने से लेके जन्म बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक उसको मदद मिलना चाहिए। देश का कानून